जॉब तक चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। वाट जो है आपका शक्ति का मात्रक है, वाट ये पावर का मात्रक है, पी का फार्मूला होता है पी बराबर डब्लू अपान टी, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। कितने समय में कितना कार्य हुआ इसकी रेट को जो है हम सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य को डब्लू से लिखते हैं, डब्लू बराबर होता है एफ इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, कार्य का मात्रक जूल होता है, एफ फोर्स है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, डी का मात्रक, डी क्या है, डी दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो एफ और डी मिला के जो है डायमेंशन हो गया न्यूटन मीटर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी हुआ और न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, तो कार्य का मात्रक जूल भी हुआ। तो क्वेश्चन था हमारा एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट, 746 वाट जो कि पावर का मात्रक है, ठीक है। एक किलोवाट में 1000 वाट होता है और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोधक जो है कितना होगा? तो तार जो बिछाए जाते हैं वो दो श्रेणी में बिछाए जाते हैं, समांतर या श्रेणी क्रम में। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। तो अगर ये प्रतिरोध है आपका, ठीक है, इसको R से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। V बराबर एक फार्मूला होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। V वोल्ट है, विभवांतर है, I जो है आपका यहाँ विद्युत धारा है, बिजली है, और ये प्रतिरोध है, ओम है, रेजिस्टेंस है। V बराबर आई आर, इसको ओम का नियम बोलते हैं, इसे आप न्यूमेरिकल वगैरह लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा, यहाँ पे प्रश्न है कि दो प्रतिरोध हैं 20 ओम के और 30 ओम के, ठीक है। तो वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और एक होता है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे तो फिगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, तार ऐसे बिछे होते हैं, एक तार इधर गया और एक इधर गया, और श्रेणी क्रम में तो ऐसे सिंगल तार, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला ये होता है 1/R, अगर फाइनली रेजिस्टेंस निकालना है 1/R = 1/R1 + 1/R2, आगे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे + 1/R3। तो यहाँ पर R1 और R2 दिया हुआ है, R1 20 है और R2 30 है, तो ये समांतर क्रम का जो है फार्मूला है। अगर श्रेणी क्रम में है तो उसका फार्मूला होगा R = R1 + R2, डायरेक्ट आप जोड़ देंगे 20 और 30 50 जो है इस फाइनली आ जाता है, लेकिन यहाँ पर समांतर कह रहा है तो आप ये फार्मूला लगा के उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/R बराबर हो जाएगा 1/1/20 और +1/30, LCM होगा 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, तो 3 + 2 आ जाएगा 5/60, 5 से काट दीजिए 1/12, 1/R = 1/12, दोनों तरफ इन्वर्स कर दीजिए R = 12, आपका फाइनली आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, लगाए गए बल की गणना कीजिए। अभी रिसेंटली पढ़ा हमने बल का जो फार्मूला होता है F = ma या F = mg, ये न्यूटन का गति विषयक दूसरे नियम से निकला है,
तो एमजी की बात जब ऊंचाई पर हो तब करते हैं एफ बराबर एमजी। तो यहाँ एफ बराबर एमए की बात करेंगे, एफ बराबर एमए। तो यहाँ पर एम जो है हम फिर से लिख लेते हैं, एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है एफ फोर्स और इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो फोर्स आपको निकालना है, एम दिया हुआ है 4, ए नहीं पता, त्वरण नहीं पता। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब दो वेग होंगे, पहले धीरे होगा फिर तेज होगा, या पहले तेज होगा बाद में धीमे होगा, और समय का अंतर क्या है, ठीक है। तो आपकी जो चाल थी 20 पहले, बाद में 25 हो गई, पहले 15 थी, और समय जो है आपका ये 5 सेकंड में हुआ, जो आपका पीरियड ऑफ टाइम था ये 5 सेकंड है, ठीक है। तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग में क्या परिवर्तन हुआ, पहले वेग 15 था, बाद में जो उसकी स्पीड है वो 25 हो गई, तो दोनों का जो परिवर्तन हुआ या डिफरेंस जो है उसी को बोलेंगे परिवर्तन, दोनों को घटा देंगे बटे समय से भाग दे देंगे, ठीक है। तो वही आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, 15 10 25, 10/5 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह आप 2 रख देंगे और इंटू एम जो है आपका 4 kg दिया है, तो 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर तो कार्य का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एफ जो है आपका फोर्स आ गया 8 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें आ गई, एक तो आपका एफ बराबर एम ए आ गया न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम, और आपका त्वरण का फॉर्मूला आ गया ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। अगर दो टाइम दिया है तो नीचे भी दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 500 कूलम्ब का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की जो है कैलकुलेशन करनी है हमें, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कूलाम, ठीक है। यहाँ पे क्यू दिया है 500, और आपका टाइम दिया है, क्यू आवेश को बोलते हैं, ठीक है। टी जो है यहाँ पे 25 सेकंड दिया है, और धारा की गणना करनी है आई। एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, उसी में ये हम रख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू बराबर आई टी। क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आई है आपका विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और टी है टाइम जिसका मात्रक होता है सेकेंड। तो क्यू बराबर आई टी में जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्यू की जगह रखेंगे 500, ठीक है, क्यू की जगह रखेंगे 500 बराबर आई जो है आपको निकालना है, आई इंटू टी आपका दिया है 25 सेकेंड, तो आई बराबर हो जाएगा 500 बटे 25, 25 दुना 50, 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20 एम्पियर। वी क्यू बराबर आई टी, ठीक है। इसी तरह अगर वो विभवांतर निकालना है, एक फार्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है। इसमें डब्ल्यू कार्य है, ये आवेश है, और ये विभवांतर है, इस पर डिपेंडेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किसी विद्युत पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा यदि इसमें से 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, आर जो है उसने पूछा है, और उसने क्या दिया है, आई दिया है 0.1 एम्पियर, विभवांतर पूछा है, ठीक है, विभवांतर दिया हुआ है, पूछा है प्रतिरोध वी कितना दिया है, 5 दिया है विभवांतर। तो ओम का नियम अभी रिसेंटली बताया मैंने, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर ओम का नियम होता है, उन्हीं के द्वारा ये रूल ये फार्मूला निकला है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो V बराबर आप 5 रख देंगे, 5
बराबर आई कितना दिया है, 0.1 दिया है, गुणे आर आपको निकालना है। तो आर बराबर हो जाएगा 5/0.1, और 0 हटाएंगे 0 ऊपर पहुंचेगा, तो 50/1, आर बराबर 50 आंसर आपका आ जाएगा, 50 ओम। ठीक है, वी बराबर आई आर जो कि ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, 5 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इस बल की गणना करें। ऐसा प्रश्न अभी आ चुका है, इसमें m दिया है आपको 5 kg, और 4 सेकंड तक बल लगाया गया है, अवधि जो है वो 4 सेकंड की है, और यहाँ पे वेग है, दो वेग हैं, v1 है 12 और v2 है 20, तो दोनों का जो डिफरेंस है वेग का, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, मतलब जो सम क्या बोलते हैं v2 माइनस v1 वेग परिवर्तन जो हुआ वो आपका 8 है, 20 - 12 8, v2 माइनस v1 जो है वो 8 है। क्यों डिफरेंस निकालेंगे? क्योंकि बल की गणना करनी है, और F बराबर होता है MA, लीनियर में हाइट में F बराबर MG, तो MA, अब M दिया है 5, लेकिन A नहीं पता, A है त्वरण, त्वरण का फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में अंतर, तो वेग में परिवर्तन 8 है और समय में जो अंतर है वो 4 है, ऑलरेडी दे रखा है समय का अंतर, या तो 2 समय दिया होता आप अंतर निकालते, तो 4 × 8 ठीक है, और ये 5 × 2 = 10 आपका आंसर आ गया, 10 न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। अब इसमें डायरेक्ट आपका एक्सीलरेशन ही पूछ लिया, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें जिसका वेग 10 सेकंड में 25 से 30 हो जाता है, तो सीधे आप फॉर्मूला लगाइए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 जो है आपका 25 और नहीं, v2 आपका 30 है और v1 आपका 25 है, तो डिफरेंस दोनों का 5 हो गया, अपॉन t2 माइनस t1 मतलब समय का अंतर या समय की अवधि, तो अवधि ऑलरेडी दे रखी है 10 सेकंड में, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, तो 1/2 a बराबर 1/2 या 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन पूछ रहा था। तो आज के पार्ट में इतने ही, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं एसएससी के सभी एग्जामों में, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, सारे फार्मूले याद करें, उनके मात्रक याद करें, उनकी डिफिनेशन याद करें, उनसे रिलेटेड जो है फैक्ट याद करें, उनसे रिलेटेड फार्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको लगाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दें।